सो व्हाट्सअप गाइज, हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज आप लोग को कुछ इस टाइप का हेयर एडिटिंग एंड बैकग्राउंड एडिटिंग एंड देखिए जो भी मेरा गमछा है एंड शर्ट है तो कुछ इस तरीके से आप लोग ना अपने शर्ट पे एंड हेयर पे एंड आप लोग अपने फेस पे एंड बैकग्राउंड पे कैसे ऑयल पेंट इफेक्ट मारेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग दिखा देते हैं, देख लीजिए बिफोर में मेरा कुछ इस तरीके से हेयर है एंड आफ्टर में देखिए कितना अच्छे तरीके से लाइनिंग किए हैं एंड व्हाइट में हम लोग का हेयर एडिट हो चुका है। तो आज का वीडियो ना बहुत ही फ्रेश होने वाला है, तो चलिए फिर बिना देर की वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले ना आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड आज का ना जो मैं टूल्स बताऊंगा भाई बिल्कुल नया है, अब ये टेलर है ठीक है, बिल्कुल नया होने वाला है। तो सिंपली गाइज आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइज शेयर करने बाद सिंपली आप लोग आ जाना होगा टूल्स वाले आइकन पे एंड टूल्स वाले आइकन पे आने बाद सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो आप लोग अपने फोटो को रिसाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम पहले रिसाइज कर लेते हैं, तो 20:49 लिखा होगा तो सिंपली आप लोग यहाँ से इरेज कर लीजिएगा एंड गाइज इरेज करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे कोई सा भी 4 डिजिट यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा ठीक है एंड यहाँ से आप लोग को रिसाइज कर देना होगा। तो 20:49 पे हम लोग का सेलेक्ट हो रहा है ठीक है फुल एचडी, तो 20:49 करके यहाँ से हम लोग रिसाइज कर लेंगे एंड फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। देन गाइज एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग को ना देखिए यहाँ से मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग अपने हेयर को एडिट करेंगे। सिंपली आप लोग क्लियरिटी को आप लोग कुछ इस तरीके से 100 कर लीजिएगा एंड आप लोग का फेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है। तो भाई होने दीजिए, मैं पूरा बता दूंगा वीडियो में एंड सिंपली आप लोग कंट्रास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसका अमाउंट ना देखिए अगर माइनस में करेंगे तो आप लोग हेयर क्वालिटी लो होगा एंड प्लस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा। तो सिंपली आप लोग 29 रखिएगा एंड यहाँ से आप लोग आ जाइएगा शेडो वाला ऑप्शन पे एंड थोड़ा सा हम लोग शेडो को बढ़ा लेंगे तो कुछ इस तरीके से 34 बढ़ाते रहें एंड गाइज इतना करना सिंपल आपको ऊपर देखिए इरेजर वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना होगा एंड आप लोग देखिए यहाँ से इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से ना सिर्फ आप लोग अपने फेस के ऊपर से इरेज कर लीजिएगा। जो भी आप लोग का फेस ज़्यादा ब्लैक हो गया होगा डार्क ब्लैक तो सिंपली आप लोग को सिर्फ फेस के ऊपर से इरेज करना होगा एंड आप लोग अपने कपड़े पर रहने दीजिएगा बैकग्राउंड पे एंड हेयर पे एंड गाइज इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना करने का सिंपल आपको देखिए एरो के निशान पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो गाइज फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा इस स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइज शेयर करना सिंपली आपको टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा पता है किस वाले ऑप्शन पे, आप लोग को क्लिक करना होगा HDR स्केप पे ठीक है। देन गाइज जैसे आप लोग HDR स्केप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग देखिए ना किस आप लोग किस देखिए टूल्स पे आप लोग का फोटो यानी हेयर आप लोग का डार्क लग रहा है ठीक है। तो सिंपली यहाँ सेकेंड वाले पे डार्क ज़्यादा लग रहा है एंड यहाँ से आप लोग सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को 100 कर लीजिएगा एंड यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा तो 45 कर दे रहे हैं एंड यहाँ से सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना होगा तो +10 कर दे रहे हैं एंड गाइज इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा एंड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर को 49 प्लस कर लीजिएगा एंड शार्पनिंग को भी आप लोग को कुछ इस तरीके से +49 कर देना होगा एंड गाइज इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करने का सिंपली आप लोग देखिए जूम करके दिखाते हैं अंतर देखिएगा ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर एंड गाइज इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा एंड जो भी आप लोग के फेस के ऊपर सेचुरेशन आया होगा तो आप लोग को तो फेस के ऊपर आया होगा तो यहाँ से आप लोग सेचुरेशन को कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर लेंगे। तो इतना करने का सॉरी फ्रेंड, सो गाइज इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा एंड सेलेक्टिव पे एंड जो भी आप लोग का कपड़ा होगा तो सिंपली आप लोग यहाँ पे ब्राइटनेस दीजिएगा ठीक है। तो हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लिए एंड गाइज इतना करना सिंपली आप लोग डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो गाइज फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा यहाँ से आप लोग को टूल विज एप्लीकेशन के अंदर एंड गाइज टूल विज एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने बाद सिंपली आप लोग ना अपने हेयर को स्मूच कर लेते होंगे ठीक है। बट आप लोग को बताएंगे उसी तरीके से लेकिन अलग तरीका है एंड मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। सिंपली गाइज शेयर करने सिंपल इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर देंगे एंड गाइज सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक करने सिंपल आप लोग यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप लोग का हेयर एंड कपड़ा का कलर अच्छा लगे ठीक है। तो सिंपली आप लोग देख लीजिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है तो देखिए वहाँ से 8 हम सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है, 8 नंबर 9 10 ठीक है 8 9 10 तो सिंपली आप लोग 8 पे अप्लाई कर लीजिएगा एंड यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे क्लीन कर देंगे ठीक है एंड सिर्फ आप लोग ना अपने हेयर पे अप्लाई कीजिएगा। देन गाइज जैसे आप लोग अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का हेयर
हेयर होगा एंड सिर्फ आप लोग अपने बैकग्राउंड पे एंड आप लोग को अपने कपड़े पे अप्लाई करना होगा। एंड गाइज इतना करना सिंपली देखिए, अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उतना अच्छे तरीके से जो मैं आप लोग को थंबनेल में दिखाया हूँ सेम उस तरीके से इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो पूरा वीडियो आज की जगह फिर आप लोग समझ जाएंगे एंड सीख जाएंगे। एंड गाइज इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करेंगे जैसे तो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा, ठीक है मेरे जान। एंड गाइज इतना करने वाला सिंपली देखिए यहाँ पे डन वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो भाई लोग फोटो सेव करने में डायरेक्ट आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइस शेयर करने सिंपली आप लोग को मैं वीडियो में बताया हेयर एंड कपड़ा एंड बैकग्राउंड पे इफेक्ट कैसे लाएंगे, ठीक है मेरे जैसा स्मूथ ऑयल पेंट। तो मैं आप लोग को एक नया ट्रिक बताता हूँ। सिंपली आप लोग देखिए ये जो फेस आप लोग का होगा मेरे जैसा, तो सिंपली आप कलर वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड मिक्स पे क्लिक कर देंगे एंड सिंपली आप लोग ना सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से 44 माइनस एंड यहाँ से लुमिनस को वाइट कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग अपने फेस को। तो यहाँ से हम लोग 100 कर देना हम लोग, ठीक है 100 करने में सिंपली देखिए गाल के बगल में देखिए येलो टोन आ गया है, तो सिंपली आप लोग येलो टोन पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग जैसे माइनस करेंगे 100 माइनस, तो आप लोग का फोटो बहुत ही ऑसम तरीके से एडिट हो जाएगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइस जितना करना सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। एंड सबसे मेन पॉइंट आप लोग को बताते हैं हेयर में कैसे आप लोग क्लियरिटी डालेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप सेलेक्टिव पे क्लिक कर लीजिएगा, प्लस वाले आइकन पे एंड देखिए सर्कल होगा उस पर क्लिक कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से सर्कल को अप्लाई कर लीजिएगा एंड यहाँ लाल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है तो ऑटोमेटिक हट जाएगा एंड यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड जितना आप लोग क्लियरिटी एंड टेक्स्चर एंड डिजीज को बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग का फुल एच डी हाई क्वालिटी हेयर एडिट होगा। जैसे कि देखिए यहाँ से हम डन करके आपको दिखाते हैं, जैसे मैं थंबनेल में दिखाया था सेम उसी तरीके से मैं आप लोग को वीडियो में सिखा दिया, देख लीजिए आप लोग बिफोर एंड आफ्टर। तो आशा करते हैं फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग एडिटर से वीडियो डालू तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप लोगों को फेस स्मूथ नहीं करने आता है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ फेस स्मूथ, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल एचडी एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।